नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब तो लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, गीता कुकिंग वर्ल्ड चैनल भी है मेरा दूसरा वाला, अब हाँ चैनल भी देखना है और हर चीज देखनी है, यानी कि गीता कुकिंग वर्ल्ड है मेरा चैनल, तो उसको भी आपने सब्सक्राइब और लाइक करना है, आगे बढ़ाना है। हाँ दोस्तों, अभी अपने महीने की क्लास है, अभी हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग और कपड़े पे कैसे रखा जाता है वो मैंने आपको बताया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो इसके आगे का ही वीडियो दोस्तों, वो ज्यादा लंबा हमें जाना नहीं है, उसके आगे का वीडियो आप देख सकते हो। तो अभी हम डबल कटोरी की कटिंग बताने वाले हैं दोस्तों। तो डबल कटोरी की कटिंग कैसे की जाती है, बहुत सारे की कमेंट आई थी कि मैम आप डबल कटोरी की कटिंग हमें बताएं, ज्यादा से ये कलकत्ता में ज्यादा से पहना जाता है दोस्तों, इसको डबल कटोरी बोलते हैं, बॉम्बे कटोरी और टुकड़ा कटोरी, इसे तीन नाम से प्रख्यात है ये कटोरी। आप देख रहे हो यहाँ से पूरा सिलाई होता है, यहाँ से एक टक्स होता है और इसे राउंड होता है। तो पहले हमको बॉडी, पहले हम कपड़े सॉरी हम पहले नाप लेना बताएंगे। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे हमने कटोरी लिया हुआ है टुकड़ा कटोरी तो इसका ही नाप ले, ऐसा कोई नहीं। सादा हम लोग कटोरी का ब्लाउज लेते हैं उसका भी आप नाप ले सकते हो दोस्तों, खाली मैं आपको बता रही हूँ इसको बोलते हैं टुकड़ा, बॉम्बे कटोरी। और अभी हम पहले पीछे ले गए और हुक पहले लगा लेना है बराबर परफेक्ट, देखो दोस्तों। और यहां से हम पहले लेंथ लेंगे, जैसे हमने नॉर्मल ब्लाउज में लेते हैं वैसे ही लेना। इसकी लेंथ है दोस्तों 12.5, लेंथ हमारी है 12.5 यानी 12.5 इंच। अभी शोल्डर गिनना है, मैं ज्यादा से शोल्डर गिनती नहीं क्योंकि मेरे लर्निंग है मेरा शोल्डर कितना हम लेते हैं क्या साइज को, मैं ज्यादा गिनती नहीं, पर जो नए लोग होते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है मैम आप शोल्डर कैसे अचानक निकाल लेते हो, तो मुझे क्या प्रैक्टिस हो गई, अभी इतना अनुभव हो गया मेरे को इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। अभी ये हो गया 10.5, 10.5 ही दोस्तों, अपने सिलाई के मार के 10.5, तो हम यहाँ पे 10 ही शोल्डर लेंगे, इतना लेना है हमें, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होता है। अभी लेंथ हमारे सॉरी चेस्ट हमारा है, यहां से हमें गिनना है, जहां से हमारी सिलाई स्टार्ट होती है वहां से हमें यहां से यहां गिनना है दोस्तों। देखो कितना है ये 18 यानी 1818 है, तो इसका मैं दुगना कर दूंगी जिसको चौथा भाग में आता है, यानी कि हुआ 36, चेस्ट हमारी है 36। अभी कमर देख लेंगे हम, बहुत आसान है दोस्तों, इसको ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है हमें, बहुत सारी महिलाएं डरती है कपड़े कटिंग करने के लिए। कितना हुआ है दोस्तों ये हमारी कमर, आप देख रहे हो 14.5 है, 40.5 इंच, इसको मैं लिखूंगी 29 कमर है हमारी। ओके, अभी कटोरी तो मैं जैसे वैसे ही गिनती हूँ, बहुत सारी की क्या होती छोटी कटोरी थी, मुझे मालूम नहीं आप कैसे सिलाई करते हो क्या करते हो, और हमारी परफेक्ट होती है तो मैं बता रही है हमारी। यहाँ से मैंने कटोरी जहाँ हमारा हुक लगता है दोस्तों, ये वाला हुक वहां से हमें गिनना है। कटोरी हमारी है 6.25 है, पर मैं 6 ले लेती हूँ क्योंकि इतना ही मैं आधे इंच में इतना कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, मैं 6 कम नहीं लेती, मैं थोड़ा 1 पाउंड ज्यादा ही ले लेती हूँ आपके लिए बोल रही हूँ मैं। ओके, मैं कटोरी मेरी है 6 और क्रॉस पट्टी हमारी है कितनी देख लेना है, मैं आगे का गिनती नहीं हूँ, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो जितना एक्स्ट्रा होता है वहां से मैं कट करती हूँ, इसलिए क्रॉस पट्टी है मेरी 3, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पट्टी 2.5 और 3 ही होती है और 3.5 होती है दोस्तों। ओके, अभी इतना नाप मैंने लिया है, अभी हाथों की लेंथ तो मालूम है आपको, जैसे वैसे ही गिनना है दोस्तों, हाथों की लेंथ है जितना आपको चाहिए, कम ज्यादा बड़ा आप आपके हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे हाथों की लेंथ है 4.5। अभी आर्मोल भी मैं ऐसे ही गिनती हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताई हूँ कि बहुत सारे को आर्मोल नहीं जमता है, हाथों का आर्मोल बता रही हूँ मैं आपको 6। आगे की गोला ये इसे हमें टेप रखना है और यहां से हमें ऐसे स्ट्रेट करना है, ये भी 6 ही है आगे की गोलाई। इतना हमारा नाप हो गया है, मैं आगे का गला बाद में गिनती हूँ, अभी नहीं गिनती हूँ, आपको लगा तो मैम आप गिन के बता दो, मैं तो भी गिन के बता देती हूँ आपके लिए, पर मैं लास्ट में ही ज्यादा से ज्यादा गिनती हूँ, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारा गला ये 7, नॉर्मल 7 ही होता है ना गला हमारा, देखा। तो अभी हम ब्लाउज रख देंगे, तो यहाँ से हम लोग बताएंगे आपको, देखो मैंने इसे लिख लिया, आपने भी लिख लेना है दोस्तों, मैंने आधा कर दिया है शोल्डर 5.5। अभी मेरे को 36 का चौथा भाग मुझे आता है नहीं बनाने के लिए, तो
अभी दोस्तों हमें चौथा डिवाइड करना है, हमें किसको करना है, चेस और कमर को ही चार में डिवाइड करना है, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 4। ओके, अभी 36 का चार में मैंने डिवाइड किया यानी कि 9 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया यानी 9 और 10, ये 10.5 हुआ। अभी 29 का मेरे को चार में डिवाइड करना है, मुझे तो नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूजन हो रही हूँ, बहुत सारे को आता है, मुझे आता है, पर आपके लिए मैं एक इजी तरीका बताती हूँ, मेरे को नहीं आ रहा है इसीलिए आपको बता रही हूँ मैं, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको ब्लाउज, अरे अपने जो पढ़े लिखे ने वो भी अच्छी तरह से ब्लाउज सिल लेते हैं दोस्तों। 29 पे मैंने ऐसे टेप रखा, ये टेप देख रहे हो, यहाँ से मैंने टेप छोड़ दिया और यहाँ से मैंने रख लिया, कितना हुआ हमारा 7.25 होता है ना, पर मैं यहाँ पे 7.5 ही ले लूँगी, नहीं 7.25 होता है पर मैं यहाँ पे 7.5 ही ले लूँगी, 5 इंच में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ, और यहाँ पे मैं 7.5, 8 और यहाँ 9, अभी यहाँ इतना हो गया, यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी में मैंने 0.5 इंच बढ़ाया है यानी 3.5 हुआ है। कटोरी 6 तो 6 ही लेने, हमें इसमें बढ़ाना कुछ नहीं है। ओके, हाथ की लेंथ में हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, आप 1 या 1.5 इंच बढ़ा सकते हो अपने पे, पर मैं यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाऊंगी, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हो गए उनको ज़्यादा सीखने की ये हो रही है, उनको कपड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं उनके लिए 1.5 बढ़ा रही हूँ, 4, 5 और ये हमारा 6, और आर्मोल में हमें डायरेक्ट पूरा 2.5 बढ़ा देना है, देखना है ना, आँख बंद करके 2.5 बढ़ा देना है बस, 6, 7, 8 यहाँ पे हमारा होगा 8.5, और आगे की गोलाई में भी हमें 1.5 बढ़ाना है, 7 यानी हुआ 7.5, ये हमारा फाइनल माप है दोस्तों, आप देख लेना एक बार। अभी ये मैं नाप लेने वाली नहीं, ये मेरा नाप फाइनल ही है। अभी हम बताने वाले कटोरी का ब्लाउज की कटिंग, यहाँ पर हमने पेपर लिया है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हाँ दोस्तों, कभी भी आपको कटिंग करनी हो तो पेपर कटिंग ही ज्यादा से ज्यादा करना है, पेपर कटिंग करने से क्या होता है, प्रैक्टिस होती है और हमारा फार्मूला का हम गलत करते हैं वहाँ हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम शोल्डर हमारी कितनी थी दोस्तों, 10 थी, तो मैं 5 ले लूँगी, आधा ले लूँगी यानी 5। ओके, और आर्मोल हमारा है 6, पहले हमें बॉक्स करना है। ओके, और लेंथ हमारी कितनी थी, 12.5 थी, यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाया है यानी हुआ 13.5। पहले मैं बॉक्स ही तैयार कर लूंगी दोस्तों, इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होगी बताने में, आपको भी नहीं होगी क्योंकि मैं ऐसे में इजी मेथड में आपको बता दूंगी। ओके, अभी यहां पर हमारी चेस थी 36 को 9 में डिवाइड, 4 में डिवाइड किया यानी 9 हो गया है, और मैं 0.5 इंच यहाँ पे लूजिंग रखने वाली हूँ। यहां से मैंने मार्जिन में मैंने बताया नहीं है क्योंकि यहां पर हम बताएंगे 9.5 होगा हमारा लूजिंग, 0.5 इंच यहाँ बढ़ गया हमारा 9.5। ओके, और 1.5 इंच हमारी मार्जिन, और हमारी कमर कितनी थी, 29 थी, उसको हमने 4 में डिवाइड किया यानी 7.5 था, यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया गया यानी हमें लोग 8.5 ले लिया। अभी आप लोगों ने 8.5 यहाँ क्यों लिया, क्योंकि हमारा बैक साइड टक्स पॉइंट होता है इसलिए हमें यहाँ 8.5 लेना पड़ता है, और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच मार्जिन देख रहे हो। ये हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आराम से आ ही जाती है दोस्तों, आप देखते ही होंगे कि हमारी क्यों आपकी नहीं आ रही है, हमारी आ रही है। तो यहाँ से आप लोग क्या आते, थोड़ी गड़बड़ करते, पूरा बड़ा वीडियो होता है ना तो आपको लगता है बाबा इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, पर जिसको सीखना हो तो आराम से देख पाते हैं, जिसको नहीं सीखना हो टाइम पास करके छोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पे टाइम पास करना ही नहीं, हमें देखना है तो पूरा देखना, नहीं तो बीच में स्किप करके छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं, जिसको लगा तो वो सीख पाएगी बराबर। अभी हमने पहले यहाँ पे बॉक्स कर लिया है। ओके, अभी यहाँ पे हम कितना बीच का सेंटर करेंगे और यहां से हम 1 इंच बैक साइड का बता रहे हैं, और यहां हम ऐसे कर लेंगे। अभी यहां से हमारा मार्जिन पॉइंट, अरे सॉरी कर्व, यहां पे हम गोलाई कर लेंगे दोस्तों, यहां पे यहां से नहीं करना है, यहां से ही करना है,
और इसको यहाँ ही टच करना है, यहाँ जाना ही नहीं है हमें। ओके, आप देख रहे हो हमें ऐसे करना है। मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रही हूँ क्योंकि हमारा गला बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमारा फुग्गा भी आता है, बैक साइड का फुग्गा आता है यानी चून आते है। तो मैंने यहाँ से अपने लिया है इतना, यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ा देना है बस, और बीच का सेंटर करना है। आप देख रहे हो अभी हमारी क्रास पट्टी कितनी थी दोस्तों, क्रास पट्टी 3 थी ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 ही ले लेंगे, 3.5 लेंगे, नहीं पहले हम 3 लेंगे और यहाँ भी हम लोग 3 लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था ना, आपको कब लग रहा है मैम ने तो 1/2 इंच बढ़ाया, क्यों 1/2 इंच? अभी यही तो हमारी देखने की कमाल है दोस्तों। अभी कटोरी ब्लाउज यानी टुकड़ा कटोरी ब्लाउज हमको कैसे सिल पाएंगे। ओके, अभी हमारा टक्स पॉइंट कितना था, 9 था, हम लोग यहाँ पे 9.5 ले लेंगे। ओके, इसको भी हम यहाँ पे लाइन दे देंगे। ओके, अभी यहाँ पर हमारा 1 इंच बढ़ गया है यानी 3.5, 1/2 इंच मैंने बढ़ाया था। अभी यहाँ से हमें करना है, जो हमने क्रॉस पट्टी लिया था यहाँ से हमें बीच का सेंटर निकालना है दोस्तों, इसी तरह से। तो यहाँ से हमें हमारी क्रॉस पट्टी एकदम राउंड में आती है। बहुत सारे की दिक्कत है मैम आपकी राउंड में आती है, हमारी राउंड में आती ही नहीं है। अभी आप देख रहे हो कैसे राउंड में आ गई हमारी क्रॉस पट्टी। अभी यहाँ के आगे की तीरा हम लोग यहाँ पे 2 का लेंगे, गला हमारा है 7 का है, तो हम लोग सिलने के बाद कर लेंगे, पर मैं यहाँ पे 5.5 ले लेती हूँ और 2.5 का तीरा। मैं जब सिलूंगी तब यहाँ कटिंग करूंगी, इसका 5.5 ले रही हूँ मैं। सिलने के बाद वो अच्छी तरह से आ जाएगा और 1 इंच का गोलाई। ओके, अभी हमारी कटोरी कितनी थी दोस्तों, 6 कटोरी थी, तो हमें यहां से गिनना है, कटोरी हमारी है 6। ओके, यहां से 2 और 1 इंच ऊपर, तो यहां हमें राउंड ले लेंगे। आप देख रहे हो कटोरी, आप देख रहे हो बराबर। यहां से मैंने ये इसलिए किया, यहां से हम लोग 1 इंच ऊपर जाएंगे, 1.5 इंच ऊपर जाएंगे दोस्तों। अभी हम पहले कटिंग कर लेते हैं, बाद में आपको मालूम पड़ेगा, नहीं तो क्या कंफ्यूजन आप हो जाओगे ज्यादा से ज्यादा। पहले हम यहां से कटिंग कर लेते हैं। निकाल दिया कटिंग, अभी यहां से हम लोग पेपर कटिंग के लिए मैं दूसरी कैंची यूज करती हूँ, वही कैंची यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो जो अपन कपड़े पे कटिंग करते हैं और वही हम लोग पेपर कटिंग करते हैं तो हमारी कैंची तुरंत खराब हो जाती है दोस्तों, आपने नोट कर लेना ये भी बात। आप देख रहे हो अभी यहां पर हमें देखना है, अभी देखो मैं दूसरा ले रही हूँ, एक दूसरा न्यूज़पेपर लेना। आपने देखा है दोस्तों सेम वैसे मैंने यहाँ पे पिनअप लगा दिया है बराबर। ओके, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, 1.5 इंच स्ट्रेट लाइन कर लूँगी मैं, बाद में इसकी कटिंग होगी। ओके, और बीच का सेंटर निकाल लेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा बीच का सेंट्रल हो गया है बराबर। अभी बीच का सेंट्रल हो गया है तो हमें यहाँ से पूरी लाइन हम लोग देख, पहले मैं आपको एकदम इजी तरीके में बता देती हूँ। ओके, और यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है। ओके, तो यहाँ से हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें ज्वाइंट करना है।
किसी तरह से। अभी यहाँ हम हल्का सा राउंड दे देंगे। इसी तरह से आप देख रहे हो। ओके, तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने पिनअप इसलिए लगाया कि हमें कटोरी निकालने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने यहां से पिन लगा ली है पूरी। हमें ऐसे कटिंग करना है दोस्तों। ओके, ये हमारा ये भाग हमने डाल देना है। अभी यहां से हमें हमारी क्रॉस पट्टी निकालनी है, नीचे का भाग। अभी यहां से हमारा कितना था दोस्तों, आप देख रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमें यहाँ पे एक पेपर लेना है क्योंकि हमें नीचे का भाग निकालना है। अभी मैंने ऐसे तो कर दिया हुआ है बराबर, तो अभी यहां से हमें कितना था हमारा ये वाला 2.5, तो हमें अभी थोड़ा साइड रख लेंगे, बाद में इसकी पूरी पेपर कटिंग हम बताते हैं। अब ये पूरा हमारा 2.5 का पट्टा है, 2.5 है। यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे सिलाई मार्जिन, यानी कि 3। हम लोग 3 का यहाँ पे पट्टा ले लेंगे। ये कितना था दोस्तों हमारा पूरा 7, 1/2 इंच बढ़ाएंगे, यानी हमारा होगा 7.5 सिलाई मार्जिन के लिए, 7.5। और यहाँ भी हमारा 3, यहाँ भी हमारा 3। तो अभी हम पहले बॉक्स कर लेंगे तैयार। और यहां हमारा होगा 3, क्यों 2.5 है तो हमें 1/2 इंच बढ़ाया सिलाई मार्जिन के लिए। ओके, अभी आपने देख रहा है यहां से हमें 1 इंच यहाँ पे हमें ऊपर लेना है, और यहां से हमें बीच का सेंटर निकालना है हमारा टक्स पॉइंट के लिए। अपना जो मेन टक्स होता है ना, वहां का हमें यहां से बीच का टक्स पॉइंट निकालना है। और यहां से हमारा 1 पॉइंट और यहां टक्स पॉइंट, और पूरा कितना होगा हमारा 2.5 का टक्स होगा। हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे, सिलने के बाद वो 2.5 आ जाएगा। इसी तरह से, और यहां से हमें हल्का सा कव देना है। हो गए, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। ये रियल कटोरी, आप इस मेथड से आप ब्लाउज सिलोगे ना दोस्तों, आपको 101% में बता रही हूँ, आपको आएगा, यानी आएगा ये कटिंग ब्लाउज की। अभी आपने देखना है, अभी है ना। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे सिलते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा कव ऊपर आएगा, यानी पफ एकदम अच्छी तरह से बैठेगा कटोरी का, है ना। इसी तरह से समझ में आ रहा है आपको। ओके, अभी हम इसकी पहले कटिंग पूरी कर लेते हैं। आपने देखा मैंने निकाला। हाँ दोस्तों, आपको अभी मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं बताती क्योंकि आपको देखना है, तो मेरे एक वीडियो मैंने अपलोड किया ही है अभी का ही, नया 2-4 दिन का ही वीडियो है। आप वहाँ से देख लेना है स्लीव्स कैसे निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, फिर बैक साइड का टच पॉइंट कैसे दिया जाता है, मैंने उसमें बताया हुआ है। मैं इसमें बताने जाऊंगी सब, तो आपका मेरा वीडियो मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा।
आप देखने के लिए आपको कंटाला आ जाएगा। इसलिए मेरे को जो मेन चीज से आपको मैंने वो सिखा दी हो, टुकड़ा कटोरी, यही मेन चीज होती है दोस्तों हमारी। ओके, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इसको कपड़े पे कैसे रखा जाता है, तो वेट करना है। धन्यवाद।